लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चीन से आयात होने वाले स्टील और फाइबर ग्लास मेजरिंग टेप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा। चीनी आयात पर लगातार नकेल कस रही सरकार अब कुछ और सामान के आयात पर लगा एंटी डंपिंग कर चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए भारत ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप और पार्ट सेवन कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा। गौरतलब है कि हाल में भारत चीन नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में चीन के खिलाफ माहौल है। चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह से चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। ड्यूटी लगाने की सिफारिश संयुक्त एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की जांच शाखा ने चीन आयात पर कर जारी रखने की सिफारिश की थी। इसके बाद चीन से आयात होने वाले स्टील और फाइबर ग्लास मेजरिंग टेप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। यह ड्यूटी पहली बार 9 जुलाई 2015 को 5 साल के लिए लगाई गई थी। अब उसको अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। चीन कर रहा था डंपिंग। अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि चीन इन सामान की लगातार भारतीय बाजार में डंपिंग कर रहा है। डंपिंग के कारण कीमतें काफी कम होती हैं। अगर इन पर ड्यूटी नहीं लगाई गई तो इनको भारतीय बाजार में पार्ट दिया जाएगा। चीन के इन सस्ते माल से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। कितना कर लगा, राजस्व विभाग ने भी एक नोटिफिकेशन में कहा कि चीन से आयात होने वाले स्टील और फाइबर ग्लास मेजरिंग टेप और उनके पार्ट एवं कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। सरकार चाहे तो इसे पहले भी हटा सकती है। कुछ कंपनियों पर $1.83 प्रति किलो की एंटी डंपिंग ड्यूटी और कुछ पर $2.56 प्रति किलो की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। यह ड्यूटी भारतीय रुपए में देनी होगी। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें आगे भी पाना चाहते हो तो हमें फॉलो करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल जाए।